कबीर उसमें फौलाद शक्ति है उसमें स्वदेश की भक्ति है वह युद्ध के रुख को बदल देता दुश्मन को बल में मसल देता फादार वो सूरवीर सबका है यार उत्साही सूरमा परम वीर रक्षक सब कारण धीर वीर हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है अपराधी हाजिर है महाराज। मैंने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। जिन गांव वासियों की हत्या का आरोप मुझ पर लगाया गया है वो झूठा है। मैंने राज्य के किसी भी नागरिक की हत्या नहीं की है। विराट, शिवा ने तुम्हें अपनी आंखों से नागरिकों की हत्या करते देखा है। मुझे लगता है शिवा को कोई धोखा हुआ है महाराज। लेकिन हम अब किसी धोखे में नहीं रहे विराट। तुम्हारे चेहरे से झूठ का हर नकाब उतर चुका है। चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना विराट की फितरत नहीं है महाराज। यकीन नहीं आता कि आज महाराज भी विराट पर शक करने लगे। तुमने हमारे यकीन को ठेस पहुंचाई है विराट। हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर तुमने हमारे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। हमने तुम्हें इस राज्य के चैन और अमन का रक्षक बनाया था और तुम बेगुनाह और मासूम लोगों के हत्यारे बन गए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप विराट की वफादारी पर शक कर रहे हैं? आप मेरे ईमान पर तोहमत लगा रहे हैं महाराज। ये तोहमत नहीं, सच्चाई है। शिवा तुम्हारे अपराधों का गवाह है और हमें शिवा पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है महाराज राज्य को अशांत करने के पीछे कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा है। कोई राज्य के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है महाराज। तुम अपनी बातों के जाल में हमें नहीं फंसा सकते विराट। अब हम इस राज्य के साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हारे अपराधों का फैसला अब भरे दरबार में होगा। अपराधी को हाजिर किया जाए। रक्षा के पवित्र धर्म को भूलकर नन्हे और मासूम बच्चों का अपहरण करके तुमने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। तुमने सेनापति के सम्मानित पद को कलंकित किया है। यह झूठ है महाराज। विराट पर लगा हुआ यह इल्जाम झूठा है महाराज। विराट बच्चों की हंसी का हत्यारा हो ही नहीं सकता है। दक्षिण क्षेत्र की उस माटी की कसम महाराज जिसकी गोद में पलकर विराट बड़ा हुआ है। दक्षिण क्षेत्र की भूमि कभी भी ऐसे पुत्रों को पैदा नहीं करती महाराज जो बच्चों को खून में डुबोकर आनंदित हो। बच्चों के अपहरण के इस जघन्य अपराध के पीछे उस मायावी राक्षस प्रचंड देव का हाथ है जो कत्ल होने के बाद अपनी मायावी शक्ति से एक बार फिर से जीवित हो उठा है महाराज। इस अपराध के पीछे उस कायर काल भैरव का हाथ है महाराज जो सामने से विराट पर हमला करने का साहस भी खो बैठा है। अपने अपराधों का कलंक झूठ बोलकर हमारे मामा काल भैरव के सर पर मत लगाओ विराट।
आपके सिंहासन तक पहुंचने के लिए विराट ने इस राज्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है महाराज। षड्यंत्र की राजनीति करने का पेशा मेरा नहीं है राजकुमारी बिजली, षड्यंत्र की राजनीति करने का पेशा तुम्हारे मामा काल भैरव का पेशा है। महाराज आप तो अपने विराट को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आपकी आंखें भी धोखा खा गई? धोखा तो तुम आज तक हमारे साथ हर कदम पे करते आए विराट, लेकिन आज के बाद तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकोगे। सिपाहियों विराट के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें चील कबों को डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही लगता है। भाई कौन है? महाराज ये वही है। भाई कौन है? भाई अरे कहीं ये वही मायावी शक्ति तो नहीं है? अरे आज नहीं चढ़ूंगा। सामने आओ। शिवा ये क्या हो रहा है? ये क्या हंगामा है? देखा महाराज, अपनी जादुई शक्तियों से कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब इस अपराधी का असली रूप हमारे सामने आया है, लेकिन इसकी मायावी शक्तियां भी इसकी मदद नहीं कर सकती। अरे कहां है विराट? कहां गया? अरे तो देख क्या रहे हो, ढूंढो उसे। हमारे राज का चप्पा चप्पा जानवरों, हमें विराट चाहिए। माया, क्या विराट पर हर पल तुम्हारा साया रहता है? माया तो कब से विराट का साया बन चुकी है। विराट पर आने वाली हर मुसीबत को पहले माया का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो फिर माया, विराट की आज तुम्हें एक और मदद करनी होगी। माया तो विराट के लिए जान तक दे सकती है। कहो मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं? अपनी जादुई ताकत से मुझे ये बताओ कि महाराज की असलियत क्या है। महाराज? महाराज अब महाराज नहीं रहे विराट। क्या महाराज महाराज नहीं रहे? तो फिर कौन है? हकीकत देखना चाहते हो? हाँ चलो। ये बच्चे तो हमारे राज्य के ही लगते हैं। हाँ, ये वही बच्चे हैं जिनका अपहरण हुआ था। खामोश!
बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरदार, जो किसी ने आवाज की कोई बोला तो मैं भूखा मार दूंगा। बदतमीज बच्चे, खामोश। चुप। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? काल भैरव, तुम्हारे पाप ही तुम्हारी चिता बनेंगे। तुम ज्यादा दिन सुंदरगढ़ की आंखों में धूल नहीं झोंक सकोगे। विराट तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहेगा। वो तो समय ही बताएगा महाराज। काल भैरव का सबसे बड़ा सपना था सुंदरगढ़ का महाराजा बनना, और वो सपना पूरा हो गया। और जिस पर आपको बहुत ज्यादा नाज था, आपका विराट, वो आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। रहा सवाल विराट के पर्दाफाश करने का, तो वो तो लोगों से खुद ही पर्दा करता फिर रहा है। वो भला हमारा क्या पर्दाफाश करेगा, क्योंकि मैंने उसे कलंकित कर दिया है। बच्चों के अपहरण और गांव वालों की हत्या के जुर्म में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है महाराज, ऐसा ही हुआ है। नहीं। ओह, तो महाराज को बंदी बनाकर काल भैरव खुद महाराज बनकर बैठ गया है। तो इसका मतलब यह हुआ विराट कि बच्चों का अपहरण, गांव वालों की हत्याएं, और उन हत्याओं का तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें भरे दरबार में खत्म करने की योजना काल भैरव ने बनाई थी। महाराज के रंग ढंग पर तो मुझे पहले से ही संदेह हो चला था नटवर। इस राज्य में होने वाले हाहाकार के पीछे सिर्फ काल भैरव का ही हाथ है नटवर। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा विराट कि काल भैरव इस राज्य के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। प्रचंड देव और काल भैरव मिलकर प्रपंच का ये कैसा इतिहास लिख रहे हैं विराट? प्रचंड देव और काल भैरव इतिहास लिखने के लिए नहीं पैदा हुए हैं नटवर, इतिहास हो जाने के लिए पैदा हुए हैं। छल और प्रपंच की इस राजनीति को नटवर, मैं सुंदरगढ़ की परंपरा नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो विराट, काल भैरव को उसके किए की सजा हमें राजमहल नहीं देनी चाहिए। काल भैरव को तो उसके किए की सजा हम अवश्य देंगे। देखना नटवर, इस बार मैं काल भैरव को ऐसी मौत दूंगा कि वो प्रचंड देव की तरफ जा ही नहीं सकेगा। नहीं विराट, प्रचंड देव और काल भैरव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रचंड देव और काल भैरव को शिकस्त देने के लिए हमें जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत है। और विराट, इस बात को नहीं भूलना कि इस वक्त महाराज हमारे नहीं प्रचंड देव के कब्जे में है। हमारी एक जरा सी गलती महाराज की जिंदगी में खतरा पैदा कर सकती है।
इस राज्य में रहते रहते खतरों से खेलने की तो आदत पड़ गई है माया। विराट तुम कहो तो काल भैरव को मैं बंदी बना कर लाता हूं। नहीं नटवर, नहीं। जब तक हम महाराज को काल भैरव के चंगुल से छुड़ा कर नहीं लाते हैं, हर कदम हमें सोच सोच कर लेना होगा। मैं माया की मदद से प्रचंड देव के मायावी बंदी ग्रह से बच्चों और असली महाराज को छुड़ा कर लाता हूं। काल भैरव के पापों की सजा तो असली महाराज के सामने राजमहल में ही होगी। तब तक नटवर तुम राजमहल में जाकर उस महाराज रूपी काल भैरव पर नजर रखो। इस राज्य में होने वाली घटनाओं ने हमारी भांजी की रातों की नींद उड़ा दी है। आपने ठीक कहा मामा श्री, विराट की असलियत ने हमारा चैन से उठना बैठना सोचना सब दुश्वार कर दिया है। विराट तो भरे दरबार में महाराज की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया और उसका अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तो अपनी आंखों से देख लिया ना विराट का असली रूप। अपनी मायावी शक्तियों की आड़ में वो इस राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने महाराज की आंखों से कई बार पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार महाराज ने मुझ पर नहीं विराट पर विश्वास किया और ये राज महाराज के उसी विश्वास की सजा भुगत रहा है। घबराइए नहीं मामा श्री, अब तो महाराज ने विराट का नाटक खुद अपनी आंखों से देख लिया है। हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द इस राज्य के सेनापति का पद विराट नहीं आप संभालेंगे। मुझे सत्ता का मोह नहीं है बिजली, मुझे तो न्याय चाहिए न्याय। किसी भी तरह का न्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विराट का अचानक इस तरह गायब होना इस बात का संकेत है कि वो अपनी मायावी शक्तियों के बल पर किसी भी समय महाराज पर हमला कर सकता है। शायद आप इस बात से अनजान हैं मामा श्री, महाराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व विराट नहीं हम निभा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ तुमने हमें यह खबर सुनाकर निश्चिंत कर दिया। महाराज के प्राणों की रक्षा की चिंता ने हमें बेचैन कर दिया था बिजली। महाराज ने तो हमें अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है मामा श्री, और अगर महाराज की ममता का फर्ज निभाते निभाते हमारी जान भी चली जाए तो हमें जरा भी अफसोस ना होगा। किंतु यदि विराट हमारे हाथों से बच गया तो हमें इस बात का बहुत अफसोस होगा। बिजली, विराट हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो जहां भी होगा हम उसे चैन से नहीं रहने देंगे। तुम आराम करो, मैं भी आराम करने शयन कक्ष में जा रहा हूं। सुंदरगढ़ के महाराज, सुंदरगढ़ के महाराज हैं हम, सुंदरगढ़ के महाराज। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब हम चैन की नींद सोएंगे। सुंदरगढ़ के महाराज।
चैन की नींद सो रहा है। शायद सपना था, सपना था। सुंदर लड़के महाराज के कक्ष में कौन आ सकता है? कोई नहीं।